डिबेटर तो आप सभी का स्वागत है वुल्फ फार्म के सेकंड एपिसोड में। अबे कैमरामैन सारे अबे एक जगह रखना ना कैमरे को। हाँ एक जगह पे रखा, एक जगह पे रख कैमरे को। हाँ तो गाइस आपका स्वागत है वुल्फ फार्म के सेकंड एपिसोड में। आज अपन इसको अपग्रेड करने वाले। अरे इधर उधर हो जाता हूँ, इधर उधर मत देखो, सामने देखो। अरे कैमरा मैन इधर उधर मत भाग रही तू। हाँ एकदम चलो। तो अभी देखो अपन ने मैंने फर्श वर्श कर दिया था इसके अंदर, जो पहले जो घास लग रही थी ना नीचे उसको मैंने फर्श वर्श कर दिया है थोड़ा बहुत, जिससे कि जो जानवर पैदा हो जाते थे उनको बार बार मारना पड़ता था। मारना नहीं पड़ेगा देखो, अभी जो मैं किसी से मार खा के आया हूँ जरा सी अभी, इसलिए मेरे जो हार्ट वाट कम हो रखे हैं उसका ध्यान मत देना तुम। अभी देखो मैंने ये देखो कितना गजब लग रहा है ना, एकदम पूरे पे फर्श कर दिया है, बाहर भी फर्श कर दिया है। और मैंने जिससे पहले वाले पार्ट के अंदर बताया था ना तुमको एक बना के, वैसे ये मैंने बहुत सारे बना दिए, अभी एक और बना के दिखा रहा हूँ, फिर इसके अंदर एक साथ ट्रांजेक्शन करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? देखो अभी जो है पीछे की साइड मैंने चार का गैप छोड़ा, अभी बाद में वो पांच का गैप हो जाएगा। मैंने वो पीछे बताया था ना रे, पीछे देखो उस वाली दीवार से लेके इस वाली दीवार तक बीच में जो गैप है चलने का, अभी देखो इसको बना देता हूँ पहले पूरा कॉन्सेंट्रेट करने दो। हाँ इधर वो आएगा, ऑब्जर्वर आएगा ना, ऑब्जर्वर और क्या बोलते हैं उसको, डिस्पेंसर, उसके ऊपर डिस्पेंसर आ जाएगा, उसके नीचे वो आ जाएगा ऑब्जर्वर, वैसे बन जाएगा। इधर माइनकार्ट आएगी, उसके नीचे फनल और उसके नीचे चेस्ट। देखो अभी इसको फटाफट फटाफट पूरा बना देता हूँ। एक इधर लगाना ब्लॉक और इसके बगल में पूरा उसको पैक कर देते, पूरे को खत्म। ये हो गया, एक और बन गया। देखो नीचे की साइड दिखाता हूँ, देखो नीचे एक और छेद हो गया ना ऐसे। ये देखो यहाँ पे एक पूरी एक छेद पे एक फार्म बन जाएगा पूरा, एक भेड़ का एक फार्म। जो ऊपर से दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, देखो ये आ गया ना पूरा हो गया। इसमें से वो निकाल लेता हूँ, डर्ट का ब्लॉक पड़ा है, डर्ट का ब्लॉक बहुत काम आएगा। चलो अरे मकड़ी आ गई रे मम्मी। अरे तुम कहाँ से पैदा हो जाती हो? अब तो मैंने पूरा फर्श भी कर दिया यार, मैंने वो भी लगा रखे इसमें टॉर्च भी, फिर भी पता नहीं पैदा हो जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके रही। चलो अभी जो है फटाफट से अपना सामान ले लेते हैं सारा और इसको मार दो। अरे मैं ये धमाका ये भाई मेरे को खेलने का ही नहीं है रे। ये तो इनकी बार बार दीवार बनाओ दीवार बनाओ बार बार फोड़ के चले जाते, पता नहीं कहाँ से घुसा के लाती इतना सारा बॉम्ब। रे वो अभी जो है मैंने लगा दिया और बाहर पूरे में मैंने वो टॉर्च भी लगा दी थी, अपने चारों तरफ टॉर्च लगा दी पूरे वुल्फ फार्म के, जिससे साला कोई पैदा ही नहीं होएगा। चलो अभी देखते फटाफट देखते, फिर भी पैदा हो जाती है पकड़ी मकड़ी पकड़ी आ जाती है। देखो अभी मैंने ये पीछे की एक वॉल हटा के ये वाली लगा दी है पत्थर की वॉल, जिससे कि जो है लुकिंग बनाने में लास्ट में तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जब लास्ट में अपन डिजाइनिंग वाला डेकोरेटिंग वाला काम करते हैं ना ट्रांजेक्शन के साथ रे। चलो अभी देखो ऊपर से ट्रांजेक्शन करते हैं, इसको पूरे में लगा दूंगा मैं। देखो करूँ ट्रांजेक्शन करूँ क्या जी? अरे नहीं तुमको ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा, देखो बीच में सारी मेहनत दिखाऊंगा। अरे मैंने कितनी सारी मेहनत करी है ट्रांजेक्शन में, मेहनत नहीं दिखेगी ना इसलिए चलो ये दिखाना जरूरी है। देखो कितनी बारिश हो रही है, एकदम रात हो रही है, फिर भी मैं काम कर रहा था, मैं सो गया हूँ। वैसे नहीं तो मोब आके मेरे माथे पे फट जाता ना तो मैं मर जाता थी। चलो अभी फटाफट ऐसा का ऐसा पूरे में बनाएंगे और देखो आप ट्रांजेक्शन करते रहे सब छोड़ो। तो करे ट्रांजेक्शन देख करूँ क्या रे बताओ? ये दम तेजी लगी एकदम से आ गया ना पूरा। देखो पूरी रात भर मेहनत करके बनाए थे, ऐसे थोड़ी मैं गिर जाता हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाऊँ तो माफ करना। देखो पूरे में बन गई ना, अब इसके अंदर वो लगाने अपने को चेस्ट वगैरह लगाएंगे जिससे कि पूरा बन जाए। और ऊपर से भी दिखा देता हूँ तुम्हें पहले, देखो ऊपर से भी बहुत सारी मेहनत करी है मैंने। देखो पूरा बन गया ये, अभी नीचे चेस्ट लगानी है वगैरह वगैरह लगानी है रे। वो पहले सामान लेके आता हूँ, रुक जाओ मेरे, चेस्ट में से अपना सामान निकालता हूँ ये वाला सारा। देखो फनल वनल ऑब्जर्वर और ये सब निकाल लेते फटाफट। माइन कार्ट एक तो एक में एक आती है, नहीं तो एक साथ रख के ले जाता रे, बहुत मेहनत लगती है रे, मेरी कमर दुख जाती है खड़ी खड़ी। चलो अभी फटाफट से इसके अंदर आइटम लगा के आएंगे, पहले तो ये लगाते हैं। देखो डर्ट ब्लॉक आ गया मेरा, नहीं तो वो फनल टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है ना, उसका मुंह उसकी साइड रहना चाहिए चेस्ट की साइड। देखो पहले तो लगाते हैं डर्ट ब्लॉक, इसके ऊपर लगाएंगे फनल जिससे कि नीचे की चेस्ट आ जाएगी, डर्ट ब्लॉक तोड़ देंगे। अब देखो डर्ट ब्लॉक तोड़ते हैं, एक बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सारे एक साथ बना दूंगा रे बहुत सारे। तो अब देखो ऊपर रेल लगानी है, वो फिर उसके ऊपर माइन कार्ट लगेगी जिससे नीचे का सारा सिस्टम पूरा हो जाएगा, बस ऊपर जाके फिर लगाना है वो डिस्पेंसर और क्या कहते हैं ऑब्जर्वर लगाना। चलो अभी ये सब तोड़ देते हैं रेल वेल बीच की और ऊपर चलते हैं अब डायरेक्ट एकदम से ही। इसमें नीचे तो देखो ये फिट हो जाएगा ऑब्जर्वर, ये एक फिट करने की कोशिश करी तो वो टेढ़ा मेढ़ा लग गया। देखो मैंने फिर बाद में यहाँ पे डस्ट लगा ली थी, अब देखो अब बिल्कुल सही हो रहा है, उसका मुंह उधर की साइड रहना चाहिए ना, और वो डिस्का क्या कहते थे ऑब्जर्वर का। अब देखो अब डिस्पेंसर लगा देते हैं इसके ऊपर पूरे पे, देखो पूरे पे लगा दिए। अब ग्लास की बारी, ग्लास लेके आता हूँ, रुक जाओ। फिर उसके बाद रेड डस्ट लगानी है और उसमें कैची डालनी है, कैची तो अपना पूरा सिस्टम पूरा हो जाएगा। देखो पहले कांच लगा देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ तुमको। देखो वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं है उसका नाम, देख के बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो कांच लगा दो फटाफट से, और अभी देखो मैंने पूरे पे लगा दिया, अब रेड डस्ट लेके आता हूँ, रेड डस्ट लगा दूंगा। रेड डस्ट किधर है रे? एक तो बार बार जाना पड़ता है, देखो अब जाने वाला ऑप्शन हटा देता हूँ। हाँ देखो अभी रेड डस्ट ला के लगा दी मैंने, अभी इसके अंदर वो डालनी है सीरम बीरम क्या बोलते थे उसको, कैची कैची बोलते, कैची चलो बाद में डालेंगे, पहले उनको पकड़ के आते थे अपन क्या बोलते हैं भेड़ बकरियों को रे। ये तो माता पत्ती का खेल है रे, पापा के तीजे बड़ा नाम करेगा रे। चलो एक एक पकड़ के लाएंगे, इस बार अपन इससे पहले ज़्यादा पकड़ के लाए थे तो माता खराब हो गया था, देखते हैं इस बार एक जाती है कि नहीं जाती। आ जा
अरे आजा जल्दी जल्दी आजा, और घास खा ले पहले, घास खा ले, गेट बंद करके आने, नहीं तो सारी भेड़ बकरियां भाग जाएगी मेरी। चल आजा अंदर, आजा किधर है, आजा फटाफट आजा, इसमें डालू रे तेरे को मैं, आजा ऊपर आजा ऊपर। अरे मैं खुद ही आ गया इसमें, अरे किधर गई, अरे गायब, अरे टूट गया, अरे रस्सी टूट गई है मेरी, अरे किधर है भाई, अरे एक तो गेट गेट, अरे भैया गेट पे क्या है इधर, अरे कहाँ भागी, क्या आजा 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 अंदर आजा, अरे अंदर आजा, डू टू, अरे आजा इसको घास से लेके आऊं करेगा। अरे ओ भाई ओए, अरे यार, अरे ये या अंदर नहीं आने आ रही, अबे अबे गेट पे फेवी कॉल लगाएगा जो चिपक जाती बार बार। चल आजा नीचे आजा नीचे आजा, बड़ा बटे इसको इसमें डालते रहे, डल जाएगी रे इस बार आराम से। मैंने इस बार कांच नहीं लगाया, एक इससे पहले मैंने कांच लगा दिए थे सारे, फिर तोड़ तोड़ के लगाया रे इन्हें अंदर। आजा अंदर, अरे देखो भैया अंदर ही नहीं जाने आ रही थी, इन्हें सब कुछ तोड़वा दिया भैया, हमारी जो है जिंदगी परेशान कर दी इन्हें। अब भैया जी एक बार देखो इन्हें देखो, अब भैया नीचे गिर जाती, हमने कि भैया इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हवा में ले जाएंगे बिल्कुल, रुक जाओ इनको आसमान में लेके जाना पड़ेगा जी। एक तो मानती नहीं, गुस्सा आ रहा है आज, तो इसको ऊपर से गिराऊंगा। अरे अरे लेकिन मेरी भेड़ मर जाएगी रे, चलो छोड़ो इसको नीचे लेके चलते रे दोबारा से। मैं क्या ही बोलूँ रे, गुस्सा आ जाता है मेरे को बीच बीच में रे, चलो डायरेक्ट। अरे अरे मेरी, अरे नीचे, अरे अरे। सो गाइस, जैसे ही कुछ भेड़ों के नुकसान के बाद मैं वापस आ चुका हूँ, सब में मैंने भेड़ डाल दिए, मैं क्या ही बोलूँ रे, बहुत सारी भेड़ें मर गई मेरे को, कई तो गुस्से से मैंने थप्पड़ मार दिया रे उन्हें, मैं क्या ही बोलूँ रे। चलो फटाफट फटाफट मैंने देखो सब में भेड़ डाल दिया, अब इनको जो है कलर करना, रंग रोगन करना बाकी है भैया, रंग रोगन। अरे अरे माफ करूँ, मैंने दो थप्पड़ मार दिया गलती से, मेरे को डाई पे क्लिक करना था, चलो अभी डाई कर दिया, अब इसमें जो है कैची वैची डाल देता हूँ सब में। देखो अभी इसका नाम देखो बताता हूँ रे मैं, एक दो, हाँ ये क्या बोलते हैं, शेयर, शेयर बोलते, ये एक तो पढ़ना नहीं आता रे, शेयर शेयर सॉरी डी। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम गोइंग टू माई टेस्ट एंड टेकिंग द ड्रेस। दे रे इसमें इतनी हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है रे, ये तो मेरे को बचपन से आता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। देखो रे ये देखो, मैं सब में भेड़ कलर वलर हो गया, अब अपना सब भेड़ देखो वो देने लग गए, देखो बोल भी देने लग गए इसमें एक। अरे अभी अभी वैसे डाला है, कई और नहीं दिया होगा, मैं से नहीं बोल रहा था। हाँ देखो ये देखो देने लग गई ना ज़्यादातर, ये देखो इसमें भी चार वूल पड़ी है, इसमें भी एक वूल पड़ी है, बस डेकोरेटिंग आइटम बच रहा है, डेकोरेट करते ही अपनी पूरी वूल फार्म पूरी हो जाएगी रे। देखो अभी डेकोरेशन में अपन वो करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन एकदम पाउडर उड़ाते हुए। देखो जी अरे आराम आराम से जाना पड़ेगा, नहीं तो भेड़ बकरियों के साथ मैं भी कट जाऊंगा रे। ओरे बच गया, अरे बच गया, चलो अभी ट्रांजेक्शन करूँ रे, या ये ट्रांजेक्शन रे, ये तो लो लो गया, रुक जाओ माफ करो, हाँ अभी करेंगे ट्रांजेक्शन। जय माता दी, ये हुर, ये देखो रे कैसा लग रहा है एकदम, पीओपी वाला रे, देखो क्या बोलते थे वो, पोपी ओपी ओपी क्या बोलते थे, हाँ वो देखो एकदम मस्त लग रहा है ना। चलो नीचे चलते एकदम, देखो क्या यहाँ भी घास उग गई रे मेरी सीढ़ियों पे, देखो नीचे मैंने वो हटा दिए जो एक्स्ट्रा लगाई थी ना, पांच पांच का गैप हो गया। देखो पहले अंदर से दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, देखो रे कितना गजब लगने लग गया ना एकदम, अपना जैसे पहले बाहर वाला लगता था वैसे ही अंदर का हो गया एकदम, दो दो हो गए एक के अंदर एक हो गया। अरे मेरा वो कैमरामैन किधर गया रे, ड्रोन छोड़ दिखा रे कैमरामैन, अरे किधर रे, आ गया रे आ गया रे, किधर चला जाता है। देखो इधर से देखो, पहले बीच वाला सीन दिखा रहा हूँ, देखो अब मैं वैसे इधर भी चेस्ट निकाल सकता था, लेकिन वो फिर लुक में लुक बिगड़ जा रही थी, मैं पहले चेस्ट निकालने की सोच तो रहा था, इधर की साइड भी अंदर वाली चेस्ट बाहर भी दिख जाती, लेकिन फिर लुक बिगड़ रहा था इसलिए मैंने नहीं निकाली। अब अंदर जाके ले लो वूल, देखो कितना गजब सीन लग रहा है ना, देखो सामने से दिखाता हूँ, इधर देखो गेट देखो रे कितना गजब लग रहा है, वैसे गेट लगाऊंगा नहीं बिना गेट के, अच्छा है। देखो ऊपर से देखो सीन कितना एकदम पीओपी वाला लग रहा है रे, पप्पी वाला रे क्या बोलते हो ये देखो। चलो अभी जो है गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को क्या लाइक कर देना, और क्या बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये गया जी, चलो बाय बाय।